नमस्कार, मैं रविश कुमार। भारत के सूचना व प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौर भले ही पुशअप करने में दुनिया में नंबर वन के मंत्री हो जाएं, मगर प्रेस की आज़ादी के मामले में भारत का स्थान काफ़ी नीचे है। 180 देशों में 138वें नंबर पर। पिछले साल से इस साल दो पायदान नीचे आ गया। दुनिया भर में नफरत की भाषा सोच को लेकर चिंता जताई जा रही है, शोध हो रहे हैं, इसे रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। भारत में हम अभी तक यही कहते रहे हैं, इन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। इस बीच हमारे ध्यान ना देने का लाभ उठाकर इनकी पूरी फौज तैयार हो गई है, जिलों कस्बों में फैल गई है। जिन ट्रोल को हम अनजान समझते थे, कंप्यूटर पर नकली आईडी से बनी सेना समझते थे, वो अब अपना नकाब उतार चुके हैं। वो तरह तरह के ऐसे संगठनों के सदस्य के रूप में सामने आ रहे हैं जिनके आगे कभी हिंदू तो कभी गौ रक्षा तो कभी सनातन लिखा होता है। इनका मकसद धर्म की सेवा कम, धर्म के नाम पर उन्माद फैलाना ज्यादा रह गया है। ये सब व्हाट्सएप मैसेजेज देखिए किस तरह से आए हैं। अभी हाल ही में पटना के कशिश न्यूज चैनल के पत्रकार संतोष सिंह ने 5 घंटे का लंबा कार्यक्रम दिखाया, जिसमें बताया कि बिहार में ही ऐसे 80 से अधिक संगठन हैं जिनमें नौजवानों को शामिल कर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद दिया जाता है, फिर तलवारें दी जाती हैं ताकि वे इस भाव में रहें कि कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। यही वो लोग हैं जो पत्रकारों को या असहमति रखने वालों को ट्रोल करते हैं, धमकी देते हैं मारने की और बलात्कार करने की, फिर त्योहारों के मौके पर हाथों में तलवार लेकर गलियों में निकलते हैं, हालात बिगाड़ते हैं। कई बार माँ बाप को पता नहीं होता, रिश्तेदारों को पता नहीं होता कि उनका बच्चा ऐसे संगठनों में जाकर उन्मादी होने की ट्रेनिंग पा रहा है। हालत यह है कि हम जैसे पत्रकारों के व्हाट्सएप नंबर पर गालियां छोड़िए मारने और बलात्कार की धमकियां सामान्य हो गई हैं, और वो भी अब अपने नाम से लिखने लगे हैं। स्वतंत्र पत्रकार राणा अयूब के साथ पिछले दिनों जो हुआ वो भयावह है। राणा अयूब की तस्वीर तो एक अश्लील वीडियो पर चिपकाकर उसकी तस्वीर घुमाई गई ताकि लोगों की नजर में उन्हें बदनाम किया जा सके। ऐसा क्या गुनाह कर दिया उन्होंने, उस पत्रकार ने, कि इतने बड़े देश को इतना खतरा हो गया कि एक राजनीतिक विचारधारा से जुड़े लोग उसके साथ ऐसा करने लगे। 22 तारीख को मेरे नाम का एक ट्वीट रिलीज किया गया जिसमें लिखा था कि मैं चाइल्ड रेपिस्ट को सपोर्ट करती हूं और ये मैं इस्लाम के नाम पर कर रही हूं और चाइल्ड रेपिस्ट के खिलाफ कोई ऑर्डिनेंस है वो इस्लाम के अगेंस्ट है। और ये ट्वीट कम से कम 10,000 लोगों ने रीट्वीट किया। योगी आदित्यनाथ की जो सेना है, एक फैन पेज है, उस पर उस ट्वीट को ट्रांसलेट करके किया गया। और उसके बाद जो मेरे साथ हुआ है, लोगों ने जिस तरह के मुझे गैंग रेप के थ्रेट दिए हैं, हजारों लोगों ने कहा कि इनको घर से निकालो, इनका गैंग रेप करो। उसके बाद एक दिन बाद एक और ट्वीट फोटोशॉप करके भेजा गया जिसमें था कि आई हेट इंडिया एंड आई हेट इंडियंस। उसके बाद मुझे घर से घसीट कर पाकिस्तान भेजने की धमकी। एक दिन बाद जो उसके बाद हुआ है उसकी मुझे लगता है उससे सबसे ज्यादा चोट पहुंची है मुझे कि एक पोर्नोग्राफिक वीडियो पे मेरा एक इमेज डालकर, एक पॉर्न वीडियो, 2.5 मिनट के पोर्नोग्राफिक वीडियो को सर्कुलेट किया गया है ऑनलाइन, और इसके स्क्रीनशॉट फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, हर जगह उस चीज को वायरल कर दिया गया है। फेसबुक पे लोग मुझे वो इमेज बार बार भेज रहे हैं, कह रहे हैं कि आप हैं, आपके रेट किया है। फिर उसके बाद मेरा एक ट्वीट लिखा गया जिसमें लिखा गया कि मैं अवेलेबल हूं, ये मेरा नंबर है, ये मेरा एड्रेस है, और वो वायरल हो गया। उसके बाद लोगों ने मुझे अपनी अश्लील तस्वीरें भेजी है, मुझे मेरे रेट्स आगे हैं। मेरी जिंदगी इन्होंने इस जिस तरह से खराब की है पिछले 3 हफ्तों में, मैं नहीं चाहती किसी और इंसान के साथ वो हो जो मेरे साथ हुआ है। मैं नहीं जानती किस वजह से हुआ है। मैं अपना काम कर रही हूं, एक पत्रकार के तौर पर अपना काम कर रही हूं जो मुझे करना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रही हूं। मुझे नहीं पता कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूं कि ये जो लोग हैं ये मुझसे कह रहे हैं कि ये हिंदुओं के प्रोटेक्शन के नाम पर ये कर रहे हैं कि मैं हिंदुत्व को बर्बाद कर रही हूं, मैं हिंदुओं को बदनाम कर रही हूं। एक फेसबुक पोस्ट जो बहुत वायरल हुआ उस पर लिखा गया था कि देखो राणा अयूब, हिंदुओं को बदनाम किया तो हमने तुम्हारे खिलाफ ये वीडियो बना दिया। इस तरह का मेरे साथ जो गलीज चीजें मेरे साथ हुई हैं, सोचिए परिवार वालों पे, माँ बाप पे, खुद राणा पे क्या असर पड़ता होगा। इन लोगों की भाषा ऐसी है कि हम पूरा दिखा नहीं सकते स्क्रीन पर, ऐसी कोई पंक्ति नहीं होती कि हम उसे स्क्रीन पर पूरी की पूरी डाल दें। फोन करते हैं तो 10-10 मिनट तक बिना रुके गालियां देते हैं, सिर्फ गालियां देते जाते हैं। मेरी माँ के बारे में जो कहा गया उसे मैं रहने देता हूँ। वैसे भी मुझे माँ की तस्वीर का सहारा लेकर नोटबंदी की तरह सहानुभूति नहीं बटोरनी है। यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि गाली देने वालों की जमात का संबंध उनसे भी है। बहुत से ऐसे लोगों को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं। हाल ही में YouTube पर सरकार की झूठ की पोल खोलने वाले नौजवान ध्रुव राठी को काफी धमकियां मिली। ध्रुव ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को ट्वीट कर दिया कि हर उस आदमी को आप फॉलो कर रहे हैं जिसने मुझे ट्विटर पर गाली दी है, धमकी दी है, कम से कम 50 ऐसे लोगों को आप फॉलो करते हैं। ट्रेन की हालत खराब है,
रेल मंत्री को पता नहीं होगा कि 12174 उद्योग नगरी एक एक्सप्रेस नाम की ट्रेन चलती है, बता दे रहा हूं, पता नहीं होगा उन्हें। प्रतापगढ़ से कल्याणपुर, कल्याण मुंबई चलती है, 9 घंटे की देर से पहुंची है। हरदोई स्टेशन पर पीने के पानी के वेंडर मशीन नहीं है और रेल मंत्री ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं जो धमकियां देते हैं और गालियां देते हैं, तो समझिए देश कहां जा रहा है। 3,287 नौजवान 10 महीने से अपॉइंटमेंट लेटर का इंतजार कर रहे हैं और वित्त मंत्री पीयूष गोयल गाली और धमकी देने वालों को फॉलो कर रहे हैं, तो समझिए आपका देश कहां पहुंच गया। आप इन मंत्रियों से जरूर पूछिए अगली बार या किसी मीडिया कॉन्क्लेव में मिले हंसते हुए इंटरव्यू देते हुए कि क्या आप ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो ट्रोल करते हैं और गालियां देते हैं। मेरे साथ अब यह आम हो चुका है। मैं आपको भरोसा देता हूं कि मैं परेशान नहीं हूं, अपना काम कर रहा हूं, करता रहूंगा। गोदी मीडिया आपके लोकतंत्र को बर्बाद कर रहा है, इसलिए जरूरी है कि आज ही जिनके सामने बर्बाद हो रहा है उनके सामने ही बोला जाए। मगर मेरी चिंता अपनी कम, आपके बच्चों की ज्यादा है। कहीं आपके बच्चे हिंदुत्व के नाम पर दंगाई तो नहीं बनाए जा रहे हैं? देशभक्ति की आड़ में, फर्जी देशभक्ति की समझ की आड़ में इनसे वो काम तो नहीं कराया जा रहा है या करने की तैयारी तो नहीं कराई जा रही जो पहले आपके बच्चे को उन्मादी बनाएगी और फिर दंगाई बना देगी। हिंदू धर्म को किसी से खतरा नहीं है, चिंता मत कीजिए। बहुत आए बहुत गए धर्म बना हुआ है, ना रवीश कुमार से खतरा है और ना ही गाली देने वाले नौजवान या इस तरह के फालतू संगठन इसके रक्षक हो सकते हैं। जो नेता आज इसकी रक्षा के नाम पर आपसे वोट मांग रहे हैं उनकी गारंटी वे खुद नहीं दे सकते कि अगले चुनाव में वो किस पार्टी में रहेंगे। इसलिए आप अपने परिवार में खासकर लड़कों के ट्विटर और फेसबुक अकाउंट चेक कीजिए कि कहीं वे नफरत की बातें तो नहीं लिख रहे हैं। इससे पहले कि वे उन्मादी हो जाएं, दंगाई हो जाएं और हत्यारे हो जाएं, आप उन्हें बचा लीजिए। आप इन गालियों को मेरे लिए मत देखिए, अपने बच्चों के लिए देखिए कि कहीं ऐसी भाषा बोलने वाला आपके घर में बड़ा तो नहीं हो रहा है। उस सुवर रवीश कुमार को मैं चेतावनी देता हूं, अगर इसी तरह तू सनातन धर्म को बदनाम करता है तो एक दिन मेरे हाथों से मरेगा तू। दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, यहां से पाकिस्तान लेके जाऊंगा जहां तुम्हारा घर है। अप्रैल का आखिरी हफ्ता था, अचानक मेरे फोन पर हजारों नंबर से हमला जैसा हो गया। ये हमला ही था क्योंकि 10 दिनों तक 24 घंटे फोन आते रहे, रात के 2 बजे भी और दिन के 3 बजे भी। एक नंबर ब्लॉक करता तो 10 और नंबरों से फोन आ जाते। एक एक सेकंड के अंतर पर कई कई फोन आए, स्पेन, रोमानिया, लातविया, मलेशिया जैसे मुल्कों के नंबरों से फोन आने लगे। सबकी भाषा एक सी, सबकी धमकियां और गालियां एक सी। व्हाट्सएप खोलना मुश्किल हो रहा था। जब खोलो मेरी माँ को, पत्नी को और बेटियों को गालियां और धमकियां देखने को मिलती थी। मुझे हिंदू विरोधी कहा गया, पाकिस्तान का समर्थक कहा गया। मैं उस दौरान तेज बुखार से पीड़ित था। समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ है कि फोन पर इस तरह का हमला हो गया। तभी ऑल्ट न्यूज के प्रतीक सिन्हा ने एक लिंक भेजा कि मेरे नाम से एक बयान वायरल किया जा रहा है जो मैंने कहा ही नहीं था। ऑल्ट न्यूज़ पे हम लोगों ने रवीश कुमार जी को टारगेट करते हुए कई ऐसे फेसबुक पोस्ट के बारे में लिखा है जहां फर्जी खबर फैलाई जाती है। उन काफ़ी चीज़ें उनको एट्रीब्यूट की जाती है कि उन्होंने ये कहा वो कहा, उसके बारे में काफ़ी हम लोगों ने लिखा है और एक्सपोज भी किया है। ये बार बार होते रहा है। एक स्ट्रैटेजी बना दी गई है कि किसी भी कोई भी रैंडम कोड, कोई भी ऐसी अफवाह रवीश जी के नाम से जोड़ दी जाती है और सोशल मीडिया पे फैला दिया जाता है। यही वो फेक मैसेज है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में मदरसे में गीता के साथ हुए कथित बलात्कार के मामले में मैंने बलात्कार का समर्थन किया है जो मैं कर ही नहीं सकता। बदनाम करने का तरीका पहले भी रहा है मगर इस तरह सामने आकर गाली देने, धमकी देने या मार देने की इनकी हिम्मत बताती है कि ये सत्ता को लेकर ज्यादा ही सहज हो गए। इन्हें भरोसा हो गया है कि जो करना है कर चलो, एक भीड़ है, अपनी सरकार है जो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। ये तस्वीर मुझे बार बार भेजी गई कि इसी तरह मुझे काट दिया जाएगा। आईसीस आतंकवादी संगठन ने जिस तरह पत्रकार डेनियल पर्ल को मारा उसकी जगह मेरा चेहरा लगाकर दिखाया जा रहा था। एक ने वीडियो भेजा कि ठीक से देख लो, इसी तरह काट दिया जाऊंगा। हमारे सहयोगी ने एक ऐसे ही मैसेज के बाद फोन कर दिया। मारने की धमकी देने वाले देवेंद्र फौजी को जब बताया गया कि उसके साथ हो रही बातचीत रिकॉर्ड की जा रही है
तब भी वो बोलता रहा कि दफ्तर आकर गोली मार देगा। ये भाई मैंने नंबर उसमें मिल गया है, मैंने फेसबुक से आया मेरे पास। हाँ जी बोलो। हाँ भाई, आप वो रविश कुमार जी को गाली दे रहे थे? हाँ दे रहा था। क्यों भाई, क्या बात हुई? उसको वो देश का गद्दार, उसको गाली नहीं, उसको गोली मारूंगा। अच्छा, गोली मारेंगे? कहाँ से हैं आप? अरे तू कहाँ से बोल रही है बताना। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, NDTV में हूँ। और हाँ फिर NDTV में क्या चल, देश के किस करो तुम? बात सुन, मैं एक फौजी हूँ, बात सुन। हाँ कॉल रिकॉर्ड हो रहा है आपका, आप आओ यहाँ पर अर्चना कॉम्प्लेक्स NDTV का ऑफिस, आओ यहाँ पर, मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। ठीक, नाम क्या अपना, शुभ नाम? मेरा नाम करमवीर सिंह छिकारा है। ठीक है। हाँ हाँ नहीं, फौजी कहाँ पर, आपकी पोस्टिंग कहाँ पर बताओ ना, कौन से नकली फौजी हो, असली फौजी हो? नकली हो तुम फौजी? मैं तेरा बाप हूँ। हाँ हाँ वो तो मुझे पता है कि कौन किसका बाप है। बाप हूँ। हाँ हाँ मुझे ये बताओ तुम कहाँ पर हो, कौन सी फौज में हो तुम? मैं तेरा बाप देश के। हाँ तुम हो कहाँ पर, आना यहाँ पे अर्चना कॉम्प्लेक्स है NDTV का ऑफिस, आओ किसी दिन तुमसे मुलाकात की जाएगी। और तुम अभी दिन मुलाकात तुमसे हुई ना, उस दिन सीधे पैरों से तुम जाओगे नहीं। अच्छा ये बात दिमाग में बैठा लेना। हाँ अच्छा जी, ऐसी बात है क्या? हाँ ऐसी बात है। हाँ हाँ आपका कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, एक पहली बात तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ। जनता बहुत नहीं है, ठीक है? अच्छा नहीं, इस तरह से आपको किसने सिखाया ये ऐसी भाषा शैली? ये भाषा देशभक्ति सिखाती, देशभक्ति, देशभक्ति, ठीक है? तुम्हारे जैसे नमक हराम देश में पड़े ना, उन्हीं जैसे चोरी। अच्छा अच्छा अच्छा, अब एक बात बताओ, तुम ये बताओ हिंदू या मुसलमान पहले ये बताओ। नहीं नहीं हम हिंदू है। नहीं 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 नहीं, अरे हम भारतीय हैं। देश के गद्दार हो। अच्छा पब्लिक को बना रहे हो है? हाँ क्या किया, एक लाइन बताओ कि क्या किया ऐसा जो तुमको इतना हर्ट किया, बताओ। सारी जो उल्टी बातें बोलते हो तुम्हारा, और क्या रविश कुमार कल उसको ये पता नहीं जिस देश में रह रहा है उसको कट्टी कर रहा हो। हमने इसकी जानकारी जमा की, फेसबुक प्रोफाइल से पता चला कि ये CISF में काम कर चुका है, अब नहीं करता है, मगर तस्वीरें बताती हैं कि इसे हथियार चलाने की ट्रेनिंग मिली है और दिमाग में हिंदुत्व का जहर भर दिया गया है। जाहिर है इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता था। हमारे सहयोगी ने CISF से पता किया तो उन्होंने भी कहा कि अब उनके साथ नहीं। अब यही लड़का शाम को दोबारा फोन करता है, माफी मांगने लगता है और एक वीडियो भेजता है जिसमें गोली मारने वाली बात पर माफी नहीं मांगता बल्कि फेसबुक के कमेंट के जवाब में गाली देने पर माफी मांगता है। अभी कुछ दिन पहले फेसबुक पे मैंने रवीश जी जो NDTV में पत्रकार हैं उनकी पोस्ट पे कुछ लूज टॉकिंग यूज की थी, जोश में आके होश खोने वाली बात थी। उनकी कुछ बातें मेरे को अच्छी नहीं लगी, मेरे को लगा कि यार शायद ये ठीक नहीं है, तो मैं तैश में आके मैंने उनको गाली दे दी थी जो मैं मुझे नहीं देनी चाहिए थी। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये शब्द यूज नहीं करने चाहिए थे, तो मैं रवीश जी से माफ़ी मांगता हूँ इसके लिए कि मुझसे गलती हुई है, और मैं मुझे दुख है कि मैंने भद्दी लैंग्वेज में उनसे बात की। अभिषेक तिवारी खुद को जौनपुर का बताता है, बजरंग दल के छात्र यूनिट का जिलाध्यक्ष है, साफ साफ लिखता है कि मुझे गोली मार देगा या मेरे बारे में ऐसी जानकारी लिखता है जिससे मैं भी हैरान हूं कि उस तक ये बात कैसे पहुंची। क्या ये किसी योजना पर काम कर रहा है? इसने एक लेटर पैड भी भेजा साबित करने के लिए कि बजरंग दल से ही जुड़ा है। फिर एक दिन वीडियो भेजता है जिसे आप सुनिए, उसके दिमाग में भरे हुए जहर का असर देखिए। उस सुवर रवीश कुमार को मैं चेतावनी देता हूं, अगर इसी तरह तू सनातन धर्म को बदनाम करता है तो एक दिन मेरे हाथों से मरेगा तू। दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, यहां से पाकिस्तान लेके जाऊंगा जहां तुम्हारा घर है। इस बार बजरंग दल की यह चेतावनी है रवीश कुमार सुन तू, अगर अगली बार ऐसा हुआ दौड़ा दौड़ा के मारूंगा तुम्हें, फिर कोई बचाने वाला तुझे मिलेगा नहीं। गाली देने वाले अब गुमनाम लोग नहीं हैं, इनकी ID फेक भी नहीं है। इससे पहले भी धर्मो रक्षति रक्षिता ग्रुप ने मुझे कुछ महीने पहले धमकियां दी थी, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर मेरे जिंदा होने पर अफसोस जता रहे थे। इनमें से कई लोग दावा करते हैं उन्हें प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं, मोदी सरकार के मंत्री फॉलो करते हैं। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं, मेरा नंबर जिस तरह के पेज से पब्लिक किया जाता है
उन पर भाजपा 2019, नमो फॉर 2019 लिखा होता है। और ये रहा शिकायतों का पुलिंदा, गालियों की प्रिंट आउट दिल्ली पुलिस के पास जमा है, FIR भी है, मगर ये फाइल जितनी मोटी है उससे कहीं ज़्यादा ये लोग अलग अलग शहरों में तैयार कर दिए गए हैं, जो धर्म के नाम पर आपके साथ कुछ भी कर जाने का दुस्साहस रखते हैं। प्रधानमंत्री आज शांति निकेतन गए थे रविंद्रनाथ टैगोर की करनी कर्मभूमि पर। कायदे से ये रिपोर्ट उन्हें वहीं पर बिठाकर दिखा देनी चाहिए थी कि आपकी राजनीतिक संस्कृति का ये नतीजा क्यों और कैसे निकला है।